गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव। आज इस टॉपिक में, इस रीडिंग में हम दो चीज कवर करने वाले हैं कि एक तो आपके मन में जो फियर है, कि आपके दोनों बीच में काफी समय से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपके मन में थोड़ा फियर बैठता जा रहा है कि कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पर्सन की एंट्री तो नहीं हो गई है, या कोई अगर थी तो निकल गई है, नहीं निकल गई है। आइए, पहला टॉपिक ये रहेगा। दूसरा टॉपिक रहेगा आपके पार्टनर का नेक्स्ट मेजर मूव क्या होने वाला है आपको लेकर, कि वो इस रिश्ते के लेकर क्या नया झुकाव करने वाला है, इनके अंदर क्या मेजर डिजास्टिक चेंज आने वाले हैं। आज ये भी चीज जानेंगे इस रीडिंग के अंदर। तो रीडिंग में लास्ट तक बने रहिएगा, ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग जो कर रहा हूँ ये जनरल रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं, कोई जरूरी नहीं पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। साथ में कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर का इंसान इसको देख सकता है। साथ में ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग रहती है। टाइमलेस का मतलब क्या होता है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं ना, तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। लेकिन जितना पार्ट आपसे रीडिंग से रेजोनेट होता है, सिर्फ उतने को ही हमें क्लेम करना है, बाकी को हमें स्किप कर देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब तक मैं कार्ड को स्प्रेड आउट करता हूँ, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। जो भी आपके सुप्रीम पावर, जो भी भगवान को आप मानते हैं, उनका मन में ध्यान कीजिए। और जो भी क्वेश्चन आपके मन में उस समय आ रहा है, उस क्वेश्चन को बहुत क्लियरली मन में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड में यहाँ पे निकल के आया स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ का कार्ड कहने के आपकी एनर्जी को डिनोट करता है, कहने के मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में कहीं ना कहीं काफी, जिसे कहते हैं ना, बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। बदलाव किस सेंस में, ये बदलाव कहने की स्ट्रेंथ किस चीज की है। जो एक इंसान अपनी लाइफ में बहुत ठोकर खाए कहने के संभलता है ना, आपने पहले भी कई बार पास्ट में कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हुई है जो कि जहां पर आपको काफी जिंदगी ने ठोकर मारी है, काफी बार आप गिरे हो फिर संभले हो, फिर गिरे हो फिर संभले, लेकिन आप रुके नहीं, आप गिरे नहीं रहे, आप खड़े हुए हो। इस बार मुझे कहने के ऐसे दिखाई दे रहा है कि जो आप जिस रिलेशनशिप में आप इस समय थे ना, वहां पे भी आपको कहने की बहुत बड़ी ठोकर मिली थी, जिसकी वजह से उसी ठोकर ने आपके पार्टनर के उसी बिहेवियर ने कहने आपको इतना स्ट्रांग बना दिया कि आपको उस चीज का फर्क नहीं पड़ रहा। आप अपने आप में काफी एक सेल्फ सेंटर्ड, एक सेल्फ लव वाली लेडी कहने के आप बनते जा रहे हैं, कहने के आप यहाँ पर अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को बहुत स्ट्रांगली फील करवा रहे हैं दुनिया के सामने, और अंदर इंटरनल भी आप काफी स्ट्रांग होते जा रहे हैं इन चीजों के लिए, क्योंकि आपको दर्द इतने मिले हैं ना, तो वो दर्द कहने के ये दर्द उसके सामने बहुत छोटा है। इसकी वजह से कहने के आपको इस चीज का इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ा पेन हुआ था, लेकिन इस समय देखा जाए तो आपके अंदर काफी एक जिसे कहते ना कि एक फीमेल पावर जो होती है कि यहाँ पे मैं सब कुछ सह सकती हूँ, कहने की वो पावर यहाँ मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। आप अपने अंदर बहुत काफी एक स्ट्रांगनेस फील कर रहे हैं कि मुझे दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं जो मुझे हिला सके, कहने की ये स्ट्रांगनेस मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन इस स्ट्रांगनेस के पीछे एक दर्द भी है, वो आगे देखते हैं। साथ में कार्ड निकले एम्प्रेस का। एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि कहने की आपने जब से आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट आया है, कोई छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, जबकि रिश्ता ये बहुत पुराना चल रहा था, उसके बाद आपने काफी कोशिश करी अपने पार्टनर को मनाने के लिए, काफी चीजें जस्टिफिकेशन देने के लिए बहुत कोशिश करी, लेकिन आपके पार्टनर ने यहाँ पे आपकी एक नहीं सुनी। और उसके बाद कहने के आपने जैसे कहते हैं ना सरेंडर कर देना, अपने आप पे फोकस करना, सेल्फ सेंटर्ड हो जाना, जब आपको लगे कि हाँ भाई पर्सन जो है मेरी सुन नहीं रहा, एटलीस्ट मुझे अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, मैं अपने आप पर क्यों परेशान करूँ, तो आपने कहने के अपने आप पर ध्यान देना शुरू करा है। ये एम्प्रेस कार्ड कहते हैं आप अपने आप में कहने के वेल्थ में काफी ग्रो कर चुके हो, आप अपने आप में जैसे कहते हैं कि स्पिरिचुअली काफी ग्रो कर चुके हो, आप अपने सराउंडिंग्स पे ध्यान देते हो, जो आपके लोग आपसे प्यार करते हैं, कहने की आप उनके ऊपर फोकस करो। आपने टोटली एक बार को फोकस अपना वहां से अपने पार्टनर जैसे काफी हद तक हटा चुके हैं। हाँ, लेकिन ये कि कभी कभी सब कॉन्शियस माइंड में आपके पार्टनर के थॉट्स आ जाते हैं, जो कि आपको कहने के फिर से उसी एक मूव पे मोड पे खड़ा कर देते हैं जहां पे आपके लाइफ में एक स्टकनेस थी, तो वो स्टकनेस कहने के दिमाग से निकल नहीं पा रही है। आपके पार्टनर का कोई ना कोई कॉल मैसेज नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से हाँ, एक अगर बात करूं 100 में से तो 20% जगह अभी दिमाग में है कि हाँ आपके पार्टनर आपके पास कब आएंगे। लेकिन इस समय देखा जाए तो आप अपने करियर पे कहीं ना कहीं फोकस करते दिखाई दे रहे हो, अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, अपने सेल्फ लव पे ध्यान दे रहे हो यहाँ पे इस समय आप कहीं ना कहीं। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकले वाओ स्टार कार्ड निकले। स्टार कार्ड शो करता है सम काइंड ऑफ गुड न्यूज आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। आप कहने के कुछ मैनिफेस्टेशन है आपकी, वो चाहे करियर को लेकर हो, चाहे आपके रिलेशनशिप को लेकर, कहने के मुझे मैनिफेस्टेशन यहाँ पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप बहुत टाइम से अपने किसी और को नहीं बोल रहे, लेकिन आपके मन में बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि आप चाहते हो आपके लाइफ में दोबारा से वो चीजें आए, और वो चीजें जानते हैं मुझे यहाँ पे ज्यादा काफी ऐसी चीज दिखाई दे रही है कि कहने के प्यार, क्योंकि आपकी लाइफ में जानते हैं अब तक की लाइफ में जब से आपने अपने आप होश संभाला है ना, जब से आप रिलेशनशिप में आए हो, तब से आपकी लाइफ में सिर्फ दो ही चीजें कमी यहाँ दिखाई दे रही है, पहला है समय, दूसरा है प्यार। दो चीजें कमी कहने गई थी, कहने की वो मैनिफेस्टेशन मुझे आपके यहाँ पूरी होती दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में फिर से कोई इंसान ऐसा आ रहा है
क्योंकि आपको समय भी देगा और जो आपको प्यार भी देगा। हो सकता है ये इंसान वही जिससे आपका डिटैचमेंट हुआ है, जिसके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जिसके दोनों के बीच में गैप्स आए, हो सकता है इंसान वही हो ये। लेकिन कुछ ना कुछ गुड न्यूज मुझे आपके आते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, अगर बात करूं आपके पार्टनर की एनर्जी जो आपको छोड़ के चले गए थे किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, लेकिन यहाँ पे कार्ड निकला मेरे पास सेवन ऑफ वैंड्स का, जो क्लियरली दिखाता है इस समय आपके पार्टनर काफी एक स्ट्रगलिंग फेज में दिखाई दे रहे हैं, अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके लाइफ में आज की डेट में बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि अनस्टेबल हो चुके हैं, जैसे कि उनका रिलेशनशिप नंबर वन पे, सेकंड चीज उनका थॉट प्रोसेस, थर्ड चीज उनका फाइनेंशियल, फोर्थ चीज उनका पर्सनल, उनके फैमिली इश्यूज कहने के बहुत सारे क्रिएट होते जा रहे हैं। लेकिन आज की डेट में इंसान ना एक होता है ना जिंदगी को एक ऐसे इस नजरिए से देखना, उसको लगना दिखाई दे रहा है कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। कहने के जब तक आप इसके लाइफ में थे, इसके लाइफ में हर चीज बहुत काफी स्मूथ चल रही है, मगर थोड़ा बहुत कोई सेक्टर इसका अप डाउन होता भी था ना, आप उसका सपोर्ट कर देते थे, वो चाहे फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, चाहे इमोरली सपोर्ट हो, लेकिन आप इसके हमेशा एक पिलर बन के रहे हो। लेकिन आज की डेट में ये इंसान विदाउट पिलर चल रहा है, कभी भी गिर सकता है, कभी भी उठ सकता है। कहने की ये चीज दिमाग में इसके आ रही है कि हाँ, ये इस समय अपनी लाइफ में बहुत बड़ा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में काफी अनस्टेबिलिटी फेस कर रहे हैं ये। लेकिन इसके दिमाग में रह रहे कि आपके थॉट जरूर आ रहे हैं। एक होता है जब इंसान की लाइफ से कुछ बंदा चला जाता है, उसकी वैल्यू नजर आती, तो वो वैल्यू कहने की आज की डेट में इसके दिमाग में आती हुई दिखाई दे रही है। कार्ड निकला है यहाँ पे हमारा हर्मिट का। हर्मिट कार्ड क्या कहता है, इसको कहीं ना कहीं से कुछ गाइडेंस मिल रही है कि ये आपको दोबारा से अप्रोच करे, क्योंकि ये इस समय काफी परेशान स्थिति में कहने के दिखाई दे रहे हैं। लोगों से पूछते हैं आपके बारे में कि व्हाट ही शुड डू नाउ, क्योंकि इनको ये चीज का एहसास हो चुका है कि जब तक आप इसके लाइफ में थे, इसकी लाइफ काफी खुशहाल थी, काफी अच्छी बीत रही थी। तो जैसे होता है लोगों के कुछ अपने फ्रेंड सर्कल्स होते हैं जो कि जिनसे कोई खास होते हैं, जिनसे कोई अपने मन की सारी बातें कर लेते हैं, कहने के उनसे कहने के आपसे उनसे कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनको नेक्स्ट मूव क्या लेना चाहिए। कहने के उनको वहां से एक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपको दोबारा वहां जाना चाहिए, आपको फिर दोबारा अप्रोच करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये इंसान उस चीज में विचार करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज की डेट में देखा जाए आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग, आपके बारे में हर पल सोचना, आपके बारे में जैसे कहते हैं ना कि अगर दोनों के बीच में काफी कम्युनिकेशन का गैप आ चुका है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई दोनों के बीच में किसी भी टॉपिक को लेकर, कहीं ना कहीं वो टॉपिक माइंड में लेकर आता दिखाई दे रहा है कि गलती थी किसकी, उसकी खुद की या आपकी। कहीं ना कहीं अपने आप को यहाँ पे इनका पलड़ा थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है, इनको दिखाई दे रहा है कि हाँ गलती मेरी खुद की थी, बट मैंने बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया आपके ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे होता है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है क्वीन ऑफ वैंड्स का। मैंने कहा ना आपने अपने से काफी डिजास्टिक चेंज आप लेकर आए हैं, जैसे कहते हैं ना अपने आप में ध्यान देना। एक एटीट्यूड वाली लड़की जो कि दुनिया उससे बात करते हुए डरे, एक बार कहने का अपना अपना एक नेचर इस तरीके से दुनिया के सामने सामने लेकर आए हैं, जिसकी वजह से इसके मन में फियर की एनर्जी आ रही है कि आपको अप्रोच करे तो करे कैसे, क्योंकि आपके अंदर उसको ऐसा दिखाया जा रहा है आपका एक एटीट्यूड आ चुका है। आप पहले वाली उसकी वो पार्टनर नहीं रही हैं जिसके जो कि हमेशा उसके पीछे पीछे भागा करती थी, हमेशा पैम्परिंग करा करती थी। आज की रेट में ये इंसान आपके लिए एक सामान्य आदमी बन चुका है, बिल्कुल एक आम आदमी बन चुका है, जिसकी वजह से आपको अप्रोच करते हुए कहने के इसके मन में फियर आ रहा है कि अगर मैं अप्रोच करूंगा तो ये ना हो कि ईगो की वजह से कहने की मुझे जिसे कहते हैं ना कि ठुकरा देना या मुझे छोड़ देना या मेरी जगह किसी और को दे देना, इसके मन में सबसे बड़ा फियर आज की डेट में ये आ रहा है, जो एक फियर एक समय में आपके मन में रहा करता था। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे आपका सेवन ऑफ सॉर्ट्स का, जो क्लियरली दिखाई दे रहा है इस इंसान ने जब तक आपके रिलेशनशिप में था ना, ये इंसान आपको लेकर इसने आपको काफी सारे झूठ बोले हैं, आपको चीटिंग दी है, चीटिंग की एनर्जी दी है इसने आपको, लेकिन आपके साथ हमेशा एक मैनिपुलेटिंग फॉर्म में रहा है ये। जैसे कहते हैं ना कि लाइक एक इंसान अपने ही तरीके से चलना, अपने ही तरीके से जिंदगी चलाना, दूसरे की ख्याल ना रखना, उसके मन में उसके उस समय क्या बीत रही होगी, आपके थॉट क्या होंगे, बस इस इंसान ने सिर्फ अपनी ही चलाई है। लेकिन आज की डेट में ये इंसान उन सब चीजों को दिमाग में मद्देनजर रखते हुए इंसान कहने के बहुत रिग्रेट की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। कहने के ऐसा होता है ना कि अपने ही जंग में हार जाना, अपने ही दिलो दिमाग में लड़ते रहना कि मुझे क्या करना है, कि किसी गलती थी, कहने की वो चीजें भी दिमाग में आ रही है। लेकिन ये इंसान कहने के अपने प्यार की जंग को यहाँ पे हारता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको दिमाग में आ रहा है कि हाँ मैंने गलती करी है, गलती छोटी मोटी भी नहीं, बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है इससे, और वो गलती कहने की सुधारने की कोशिश भी हर हाल में ही करेगा। नेक्स्ट कार्ड निकले मेरे पास यहाँ पे टू ऑफ वैंड्स का, जो क्लियरली शो करता है कि कहने के ये इंसान ना आपके बारे में बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना ओवर थिंक करना, आपके बारे में सोचना, कुछ ना कुछ प्लानिंग करना, और कोई बहुत बड़ा कोई बता दूं ये इंसान आपको लेके काफी बड़ा कोई एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फायर एनर्जी का एलिमेंट है, एरीज राशि है, ध्यान रखिएगा। कुछ हो सकता है जो व्यूअर्स जिनकी एरीज राशि हो उनके पार्टनर्स कहने के उनको बहुत जल्द अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कोई एक्शन लेने वाले हैं, अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आ सकते हैं,
क्योंकि इस इंसान के मन में ना आपको लेके क्रेविंग, एक डेस्परेशन यहाँ आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ओवर थिंकिंग करना कि आपको किस तरीके से मनाया जाए, किस तरीके से जिसे कहते हैं ना कि लाइक आप तक अप्रोच किया जाए, कह रहे कि ये प्लानिंग करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे 10 of Wands है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे कहीं जिसे कहते हैं कि इसकी लाइफ में एक अनस्टेबिलिटी, जैसे मेरा अनस्टेबिलिटी होना और कहीं ना कहीं काफी हद तक जिसे कहते हैं एक एग्जॉस्ट हो जाना अपने अंदर ही। ये इंसान काफी एग्जॉस्ट हो चुका है, इसके लाइफ में काफी अनस्टेबिलिटी चल रही है और कहीं ना कहीं बहुत हार्ड वर्क इसके लाइफ में चल रहा है। इस समय लाइफ को एक स्ट्रगलिंग फेज से कहने के देखता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस समय आज के दिमाग में सबसे बड़ा कारण जानते क्या आ रहा है, सबसे बड़ी बात क्या आ रही है कि इसको किसी भी तरीके से रिश्ते में वापस आना है। सबसे बड़ा बर्डन, सबसे बड़ा स्ट्रेस इसके माइंड में एक रिश्ते को लेकर आ रहा है कि ये मुझे रिश्ता दोबारा से सही करना है एनी हाउ, क्योंकि अभी ये आपके बिना जैसे कहते हैं सर्वाइवल ना हो पाना, ये कहने का आपके बिना सर्वाइव नहीं कर पा रहा है इस समय। वाओ कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे 2 of Cups का। मैंने कहा ना कि ये इंसान आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहा है, दोनों के मन में एक एक कहते ना आप इस, आपके पार्टनर के मन में एक तरीके का ऐसा एक अट्रैक्शन, एक ऐसा एक जिसे कहते हैं ना कि आपसे बात करने की क्रेविंग, आपसे बात करने की डेस्परेशन कहने की मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि 2 of Cups कार्ड नॉर्मली हम डिनोट करते हैं सोलमेट जर्नी में, क्योंकि आज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बोला इस पार्टनर ने आपको दुख बहुत दिए हैं, आपको इस रिलेशनशिप में सहना बहुत पड़ा है, इसने चीटिंग भी करी है, इसने आपसे झूठ भी बोले हैं, हर चीज साइड में रखते हुए इंसान दोबारा से आपके साथ जैसे कहते हैं कम्युनिकेशन में आना चाहता है, फिर से आपको प्यार देना चाहता है, फिर से आपके साथ एक रिलेशनशिप में बनना चाहता है, फिर से कमिटमेंट चाहता है और एक कमिटमेंट अभी खुद देना चाहता है ताकि आप इसके रिश्ते से दोबारा कहीं जा ना पाओ। इससे कहने की अपनी गलती का रियलाइजेशन हो चुका है, ये फिर से इसके अंदर आपके लिए प्यार, जिस तरह के पहले इसने प्यार आपको शुरुआत में दिया था ना, वही प्यार दोबारा मुझे आपकी जिंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है मेरे पास 5 of Cups का, जो क्लियरली यहाँ शो करता है इसकी लाइफ में ना आप इसके एहसास हो रहे हैं इसकी लाइफ से क्या चीज इसने बहुत बड़े लॉस कर दिया है, जो कि आप इसकी लाइफ में एज ए ब्लेसिंग के तरह थे। साथ में एक चीज और दिखा रहा है, ये डिसअपॉइंटमेंट ने कार्ड है, कहने के इसके दिमाग में ये चीज आ रही है कि मैंने बहुत बड़ी एक, जिस दिन ये आपको एक डिटैचमेंट देकर गया था ना, एक कुछ छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, किसी के मैनिपुलेशन की वजह से या कोई थर्ड पर्सन की वजह से, तो यहां मैं आपको क्लियर बता दूं ये इंसान आज की डेट में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट में, और मैंने बोला कि बहुत बड़ा कोई एक्शन ले सकता है, और आपके मन में कोई फियर की एनर्जी जो मैंने बोली थी ना आपको कि कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है इसकी लाइफ में, तो मैं आपको क्लियरली बोलूंगा यहाँ पर कोई भी थर्ड पर्सन इस समय करंटली नहीं है, अगर था तो वह रिमूव हो चुकी है, टोटली रिमूव हो चुकी है, लेकिन इस समय आपके पार्टनर के मन में आपके अलावा कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है। इंसान दोबारा से आपकी लाइफ में आएगा क्योंकि इसको रियलाइजेशन हो चुका है कि इसने कितनी बड़ी गलती करी है आपको खोकर, और वो दोबारा गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, इवन ये गलती को सुधारना चाहता है इस समय। नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे द फूल की एनर्जी, जो कि दिखाता है एक नई फ्रेश स्टार्ट, एक नई बिगिनिंग, और अपने जिसे कहते हैं ना पूरे एक अपने जोश के साथ रिश्ते को नई शुरुआत देना, रिश्ते को नया नाम देना, आपके डिजायर्स को पूरा करना, जो सर आपको वादे कर रहे थे सारे वादे पूरा करना, कहने की यहाँ मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से इसने आपको रिश्ते की शुरुआत करी थी ना वही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है इसके अंदर। ये इंसान फिर से आपके साथ रिश्ते को नया नाम देकर रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता है, और ये मोमेंट बहुत जल्द आने वाला है, हो सकता है सितंबर मंथ के एंड तक आ जाए, नहीं तो नेक्स्ट मंथ तक इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। ये इंसान आपको लेकर बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है, सिर्फ आपके आपको अप्रोच करने के लिए, रिश्ते में दोबारा आने के लिए। और वाओ लास्ट कार्ड हमारा बड़ा अच्छा निकला, तो बोलते हैं द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैं क्लियरली शो करता हूं व्हील ऑफ फॉर्च्यून कि समय बहुत जल्द चेंज होने वाला है आपका। यदि आपके लाइफ में बहुत अनस्टेबिलिटी चल रही है, कहने के दोनों के बीच में काफी गैप्स हैं या कोई कम्युनिकेशन है, तो वो कम्युनिकेशन करने के स्टार्ट होने वाला है। यदि उसने आपको ब्लॉक कर रखा है, ब्लॉक करने का अनब्लॉक होने वाले हैं। दोनों के बीच में अगर नफरत गुस्सा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग नफरत गुस्सा कहने का ही प्यार में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे। तो आपको बस यहाँ पे मैं सिंपली बोलूंगा, जो यूनिवर्स की गाइडेंस भी यहाँ पर आई है, आपको सिर्फ और सिर्फ अभी पेशेंस रखना है, कुछ भी जल्दी नहीं करनी, आप जैसे हो एज इट इज रहो, कोई अप्रोच नहीं करना है, कोई चेजिंग एनर्जी नहीं देनी, कोई सोशल मीडिया स्टॉकिंग नहीं करनी। ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, बस आपको वेट करना है जिस फॉर्मेट में आप चाहते थे ना कि आपका पार्टनर आपके पास आके सॉरी फील करे, आपके पास आके अपनी गलती की रियलाइजेशन करे, रिश्ते में फिर से आए, तो वही सारा फॉर्मेट मुझे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपके मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये मोमेंट ऐसा है गिव अप के बाद आपका अगला स्टेप सक्सेस का होने वाला है। तो गिव अप नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने पे विश्वास कीजिए, गारंटी दे रहा हूं ये अब रिश्ता जो बनने जा रहा है ना दोबारा से, ये रिश्ता ऐसा हमारे कंक्रीट की तरह रहेगा मजबूत, कि इस रिश्ते में किसी की जगह होगी सिर्फ आपके अलावा, ये इंसान सिर्फ आपका होकर रहेगा।
सो दैट्स ऑल फॉर दैट। यदि आपको रेटिंग अच्छी लगी, क्लेम करना चाहते हैं, तो प्लीज नीचे कमेंट में 111 लिखना मत भूलिएगा, और जितना हो सके प्लीज शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।